श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल आज पत्नी हरसिमरत कौर बादल के साथ दरबार साहिब नतमस्तक होने पहुंचे। इस दौरान बादल दंपति ने आम आदमी पार्टी पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी दा एक्चुअली मैनू पता नहीं हो की रहा है। एक आम आदमी पार्टी दा जिहड़ा लीडर है वह तो ड्रग्स केस फस गया, दूजा इन्होंने बेअदबियां फस गए, हूँ इन्हों का कि बारे की गल कर रहा है मैं बारे क्योंकि उन्होंने डबल स्टैंडर्ड है। पहला लीडर ऑफ द पार्टी है अपोजिशन है जिन्होंने कोर्ट ने इंडिक्ट किया, पहले तो पुलिस करती है ना, कोर्ट ने एविडेंस देख के उन्होंने कहा कि इनू पेश कराओ। एडा सख्त कोर्ट का वर्डिक्ट आना इटसेल्फ इट्स एन एग्जाम्पल। तो मैं हैरान है आम आदमी पार्टी के जिहड़े उदों बड़ी वड्डियां गल्लां करदे सी उन्हां दा लीडर ही किंग पिन है ड्रग माफिया। बादल दंपति ने कैप्टन सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा के सत्ता में आकर पंजाब सरकार अपने सभी चुनावी वादों से मुनकर हो गई है। पावे केजरीवाल साहब होन, पावे आम आदमी होए, पावे कैप्टन साहब होन या कांग्रेस पार्टी होए, ये सारी डोगलियां पार्टियां हैगियां जेड़े वोटां दे वेले कुछ करते ने, सरकारां बना के कुछ होर करते ने। अज पंजाब दे लोकी इन्हां दे डोगलेपन तो सचेत हो रहे ने, हौली हौली हरेक की हकीकत सामने आ रही है। तो कुछ ही दिनों से लोगों का मोह किस पासे गया से, जिन्हें झूठ मारिया फरेब मारे आही जनता उन्होंने ही हकीकत भी दिखा दोगे। जे सूबे च सरकार नाम की चीज़ ही ना होए, जिथे मुख्यमंत्री नू प्रजा दे नाल कोई लेना देना ना होए, जिहड़ा कोई अज 10 महीने हो चाहे कदे दफ्तर च मुख्यमंत्री ना गया होए, तो उस मुख्यमंत्री दे नाल कोल कोई प्रजा जा नहीं सकती। मुख्यमंत्री किसे पंजाब दे बंदे दे नेड़े नहीं जांदा, जिहड़े मंत्री नू अपनी मनमानी करके सारी ठगियां मार के पैसे लुट्टन च लगे हुए ने। तो इत्थे दिन दिहाड़े च कतलेआम नहीं वधेगा, लॉ एंड ऑर्डर खत्म नहीं होगा, लोगों की सहूलतां सारी रद्द करती हैं, तो स्कूलों भी बंद हो रहे हैं, स्कूल के मिड डे मील्स भी बंद रहे, पेंशन शगन तो पहले ही बंद रद्द कर दित्तियां गईयां सीगियां। सो हुण किसानां दी खुदकुशियां वध रहियां ने, नौजवान जिहड़े बेरोज़गार सीगे उस तरह ही बेरोज़गार घूम रहे ने, ते इन्हां दे जिहड़े मंत्री मुंत्री आप दे ठगी ठोरियां मार के आप दे जेबां भरन च लगे होए ने, ते हुण लॉ एंड ऑर्डर तो देखण वाले जे मुख्यमंत्री ध्यान दऊगा तां ही कुछ होगा, जे किसे नूं ध्यान देण दा समां ही नहीं हैगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह का पराली खरीदने के निर्णय का अभिनंदन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से हरियाणा के समस्त किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी के चलते चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 550 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पराली को खरीदेगी और 5500 रुपये प्रति टन के अनुसार पराली को लिया जाएगा। किसानों को पराली बेचने से जहां आमदनी भी होगी और इससे वायु प्रदूषण की समस्या भी दूर होगी। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री आर के सिंह जी को, केंद्र सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है 550 रुपए क्विंटल के हिसाब से पराली खरीदने का। केंद्र सरकार बिजली निर्माण में इस पराली का इस्तेमाल करने की मंशा उन्होंने जताई है और ये इस भाव से अगर खरीदेंगे तो मेरे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। जो 1550 रुपए इस बार धान का भाव था, पराली का हम जोड़ेंगे तो 2100 पर पहुंच जाएगा और निश्चित रूप से ये किसानों के लिए बहुत लाभकारी होगा। मुझे लगता है कि हरियाणा के समस्त किसानों में इसके कारण से खुशी की लहर दौड़ेगी। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ किसान भाइयों को भी और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ भारत सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, ऊर्जा मंत्रालय का और जिन्होंने इसकी घोषणा की ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री आर के सिंह जी का। जम्मू कश्मीर में मेढर के उशाद इलाके में एक टाटा सुमो गांव में जा रही थी और बीच रास्ते में हादसे का शिकार हो गई, जिसमें चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मियों में से 5 की हालत को नाजुक देखते हुए जम्मू के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं 3 जख्मियों का इलाज मेढर के उप जिला अस्पताल में चल रहा है। इसमें 2 आदमी जो हैं, एक ड्राइवर और एक कोई अन्य है जो ऑन स्पॉट डेथ हुई है। एक लड़के की डेथ जो है वहाँ से शिफ्ट करते हुए हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आते हुए हुई है। बाकी 8 इंजोर्ड यहाँ पर अंडर ट्रीटमेंट थे, जिसमें 5 इंजोर्ड थे क्रिटिकल, जिनमें हेड इंजरी, स्पाइन इंजरी थी, उनको मेडिकल कॉलेज जम्मू के लिए रेफर किया गया है और हमारे पास अभी 3 इंजोर्ड जो हैं जेरे इलाज हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में।